मोदी जी कहते हैं, माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हमारे पिता, हमारे अभिभावक ने बेटी बचाई भी है और बेटी पढ़ाई भी है। हम उच्च शिक्षित हैं, अच्छे संस्थानों से हैं, IIT और NIT से पास आउट है, और हम प्रत्यक्ष रूप से करीब 4 वर्षों से अपनी देश की सेवा में लगे हुए हैं उन सुदूर क्षेत्रों में जहाँ अभियांत्रिकी विद्यालय है। पर इस जो ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की फ्लैगशिप परियोजना थी टेक्विप 3, जिसके तहत हम कार्यरत थे, हम 30 सितंबर से हमारी कार्य समाप्ति की घोषणा कर दी गई है और हम करीब 40 दिनों से दिल्ली पर बैठे हुए हैं कि हमारी बातों की संज्ञान ली जाए, माननीय मोदी जी हमें सुने और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री इस पर ध्यान दें। पर यहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये कही जाती है ना कि एक स्किल्ड युवा होता है वो देश के लिए एडवांटेज है, बट अनस्किल्ड युवा एक इकोनॉमी के लिए ड्रॉबैक है, बर्डन है। तो आज हम अपने देश को अनस्किल्ड युवाओं से भरने जा रहे हैं, क्योंकि जिस महाविद्यालयों में हम पोस्टेड थे वहाँ करीब 60% जो रिक्तियाँ पड़ी हुई हैं, हम उन रिक्त पदों पर ही आसीन थे। वहाँ हमारी ज़रूरतें भी हैं और हमारे बच्चों को भी हमारी ज़रूरतें हैं। ऐसा नहीं है कि हम आज बेरोजगार हो जाएंगे तो हम कल रोजगार की प्राप्ति नहीं कर सकते। बस दुख इस बात का है कि हमने अपने काफ़ी कीमती ऊर्जावान 4 साल अपने इस प्रोजेक्ट को दिए, इस देश को दिए, उस राज्य को दिए, उस महाविद्यालय को दिए। तो मेरी बस यही है कि सुनवाई की जाए कि ये क्या है। अगर ये प्रोजेक्ट है कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रोजेक्ट वो ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जो बंद किया जा सके। शिक्षा की जो सुधार होती है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, सतत प्रवाह निर्धारक है। और इवन आप यूनेस्को की भी रिपोर्ट देखेंगे तो यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है कि जो टेक्निकल एजुकेशन है इट कैन बी यूज्ड एज अ टूल फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री। तो हम उस तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में ही कार्य कर रहे थे और युवाओं को, अपने देश के छात्रों को स्किल्ड करने का कार्य कर रहे थे। यहाँ संसाधन इतनी खर्च की जा रही है, कौशल संस्थानों, कौशल प्रबंधन में दिखाया जा रहा है, पर कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर बच्चों को उससे गुमराह किया जा रहा है। एडमिशन लेने के बाद बच्चों को शिक्षित करने वाले शिक्षकों की कोई कद्र नहीं की जा रही है। धन्यवाद।